दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री सुक्खू भी थे और मुकेश अग्निहोत्री भी थे, लेकिन विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह पर भी अलग से नजर सबकी बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से जो मुलाकात की है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये दो बड़े दिग्गज माँ बेटे जो कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में पहुंचे हैं। प्रतिभा सिंह के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर सुर्खियों में बनी हुई है। विक्रमादित्य सिंह को भी आप देख सकते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, इन दोनों की मुलाकात हुई है। थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो क्यों इन चेहरों पर निगाहें टिकी हुई है वो हम थोड़ा सा और ज़्यादा तफसील से बताना चाहते हैं। हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, इस मुलाकात के बारे में जानते हैं। प्रदीप, पिछले दिनों हमने देखा कि विक्रमादित्य सिंह सुर्खियों में रहे, प्रतिभा सिंह अपनी बेबाक बोल से भी सुर्खियां बटोरती रही, और अब सोनिया गांधी से मुलाकात, कैसे देखें इस मुलाकात को? बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी से ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब विक्रमादित्य सिंह का नाम मंडी लोकसभा सीट से कैंडिडेट के तौर पर सामने आया है, और इसमें चर्चा यही हुई है कि पिछले कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी कि प्रतिभा सिंह के बजाय विक्रमादित्य सिंह को चुनाव लड़ाया जाए, जो युवा चेहरा है और काफी मजबूत पकड़ रखते हैं युवाओं में, तो ऐसे में उनको आगे किया गया है। तो उसी से हम कह सकते हैं कि ये उसी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण मुलाकात है, और सोनिया गांधी से उनके घर पर जो है ये मुलाकात हुई है आज, और उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। और इस दौरान जो चर्चा, जब पॉलिटिशियन, जब बड़े लीडर्स आपस में इस तरह से मिलते हैं तो जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर जोर चर्चा होती है, और हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा फोकस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ उपचुनाव भी होने हैं 6 सीटों पर, तो उसी से जुड़ी ये सारी बातचीत हुई है। लेकिन सबकी निगाहें और सबका हम कह सकते हैं कि उत्सुकता इस बैठक के बाद जो ये मुलाकात हुई है उसे बड़ी है कि कहीं ना कहीं अब विक्रमादित्य सिंह को मंडी लोकसभा सीट से आगे किया जा रहा है और चुनाव उनको लड़ाया जा सकता है। हालांकि 11 अप्रैल को बैठक होनी है दिल्ली में फिर से, और उसमें सीईसी की बैठक भी होनी है, उस दिन नामों पर मुहर लगनी है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह को लेकर पार्टी हाईकमान भी और खुद भी जो प्रतिभा सिंह परिवार है वो इसी बात को लेकर अब आगे बढ़ रहा है कि अब चुनाव जो है विक्रमादित्य सिंह को लड़ना चाहिए, ताकि मंडी जो सीट है, एक तो पारंपरिक सीट है ये हॉलीलॉज की, और दूसरा कांग्रेस की भी ये पारंपरिक सीट है, लंबे समय से यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती आई है, क्योंकि 2014-2019 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी लगातार चुनाव जीती है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, सियासी तरीके से देखा जाए, तो ये कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र रहा है। तो ऐसे में अब विक्रमादित्य सिंह को आगे किया गया है जैसी परिस्थितियां बनी है, और उसी के लिहाज से हम कह सकते हैं कि आज की जो मुलाकात हुई है, इस तरह की जब मुलाकात प्रदीप होती है और केंद्रीय नेतृत्व से होती है, खासकर सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी को लेकर ये किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कद कितना बड़ा है, तो इस तरह की मुलाकात में क्या अपनी चिंताएं भी इस तरह के नेता व्यक्त करते हैं जो उनके मन में होता है? संगठन सरकार को लेकर जो भी बातें पिछले दिनों सामने भी आई थी, जग जाहिर हुई थी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने पूर्व में सवाल भी उठाए थे, सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे और वर्करों को जगह ना मिलने की बात भी कही थी, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक सोनिया गांधी से प्रतिभा सिंह नहीं मिली है, और ना कोई ऐसी तस्वीरें आई है या कोई ऐसी जानकारी अभी तक है कि प्रतिभा सिंह जो है सोनिया गांधी से मिली हो। लेकिन ये सारा घटनाक्रम हुआ और अब चुनाव का दौर आ चुका है, ऐसे मौके पर ये मुलाकात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी के समक्ष भी रखी होगी, जो उनके मन में है, जो उन्होंने बातें पब्लिकली भी कही है। तो ऐसी मुलाकातों के दौरान अपनी चिंताओं की बात करें या फिर जो वर्करों को एडजस्ट किया जाना है या पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सरकार संगठन का तालमेल कैसा है, ये सारी बातें जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो जरूर होती हैं। और अब जब राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं सोनिया गांधी, तो संभवतः हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से यही दिशा निर्देश गए होंगे कि आप चुनाव में जाइए, आप लड़िए, जीतिए, उपचुनाव भी आपने जीता था, अब एक बार फिर से मौका आपके बेटे को दिया जा रहा है, तो आप मंडी लोकसभा से चुनाव जीतिए, और उसके साथ साथ जो 6 सीटें हैं उपचुनाव की, विधानसभा के उपचुनाव जहां पर होने हैं, तो प्रतिभा सिंह ने पहले भी कहा था जब उन्होंने इनकार किया था चुनाव लड़ने से, तो उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उस पर पूरी मेहनत करूंगी, पूरा फोकस करूंगी, ताकि हम 6 की 6 ये सीटें जीतें। तो अब उनको ये जिम्मेदारी भी रहेगी बतौर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के, अब वो पार्टी के प्रचार में प्रदेश में लोकसभा
लोकसभा सीटों के लिए भी और विधानसभा एक पॉलिटिकल बॉन्ड की बात होती है प्रदीप, क्योंकि मैं इन तस्वीर के साथ साथ हमारे दर्शकों के सामने और भी चर्चा लाना चाहता हूँ। जो पॉलिटिकल बॉन्ड की बात होती है, आपको लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू का राहुल गांधी प्रियंका गांधी से अच्छा बॉन्ड है? और अब यहाँ पर प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो कोशिश करें कि सोनिया गांधी को भी वो बताएं कि वो क्या निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखना चाहती हैं, क्या बेबाकी से अपनी बात रखना चाहती हैं, और क्यों उन्होंने पिछले दिनों या उनके बेटे ने ऐसे बयान दिए, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये भी आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो जो गिले शिकवे हैं बड़े नेताओं के समक्ष राजनीतिक या बताते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है और वो कहाँ अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वो बातें होती हैं। और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो उनको राहुल गांधी के कैंप का बिल्कुल करीबियों में उनको गिना जाता है और उनके हम कह सकते हैं कि गुड बुक में वो हैं। और इनके साथ साथ अगर प्रियंका गांधी की भी बात करें तो वो भी हमेशा सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रोजेक्ट करती आई है। हालांकि प्रतिभा सिंह के साथ भी उनकी बॉन्डिंग अच्छी रही है। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो प्रतिभा सिंह को आगे करके प्रियंका गांधी चलती थी और कई मंच पर भी उनको अपने साथ रखकर उनका आगे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये परिवार है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि हॉली लॉज परिवार है, उनका एक वोट बैंक है, वीरभद्र सिंह से जुड़े हुए लोग, उनके प्रति जो निष्ठा रखने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और खासतौर पर अगर कुल्लू मंडी लाहौल स्पीति किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर इनका एक अपना वोट बैंक है। शिमला की बात करें तो एक अपना वोट बैंक है जो सिर्फ इस परिवार से जुड़ा है। तो कांग्रेस उस वोट बैंक को कभी भी खोना नहीं चाहेगी और यही वजह है कि जो तालमेल नहीं बन पाया था पूर्व में, वो तालमेल आगे बने, ऐसी कोशिश अब पार्टी नेतृत्व भी कर रहा है। और उत्तर भारत में, क्योंकि हिमाचल में केवल कांग्रेस की सरकार है, उत्तर भारत में केवल हिमाचल ही आता है जहां पर कांग्रेस की सरकार बची है, तो इसको अब बचाना और ये अब कांग्रेस का एक टारगेट भी रहेगा और उसके लिए हर संभव कोशिश भी रहेगी। और नेताओं को भी निर्देश रहेंगे कि वो अब अपनी जो पर्सनल जो द्वंद है, पर्सनल जो एक दूसरे के प्रति जो विचार है, उसको अलग रख के पार्टी में ही काम करें। इस तरह की कोशिश। और इसलिए कांग्रेस आलाकमान भी पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर।